जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे। और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो, पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो पैर की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। हर दिन की तरह आज भी नई सुबह के साथ मनोरंजन गलियों से तमाम नई खबरों के साथ मैं अंजलि तिवारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो कि काफी काबिले तारीफ भी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है अपने दिनों में। हफ्ते में 3 दिन खाली पेट सोए, भीख भी मांगी, फिर कब्रिस्तान में मिला एक फरिश्ता और फिर बदल गई इस एक्टर की किस्मत। आइए जानते हैं वो कौन सा एक्टर है। दरअसल दोस्तों, ये कोई और नहीं, बॉलीवुड के अभिनेता कादर खान की कहानी है। फिल्म दरिया दिल के धनी राम, हम हैं कमाल के पीताम्बर, आंखें के हसमुख राय, दूल्हे राजा की के सिंघानिया सहित 300 फिल्मों में अलग अलग किरदार में नजर आए। एक्टिंग के महारथी, कॉमेडी में माहिर और कमाल के भी उतने ही दमदार कादर खान के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीती कि हफ्ते में 3 दिन भूखे रहकर ही गुजारना पड़ता था, और तो और मस्जिद के बाहर भीख मांगनी पड़ती थी। कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जिंदगी तो खुद की रहमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पर लानत है, यह डायलॉग उन्होंने ही लिखा हुआ है जो उनकी जिंदगी पर फिट है। उन्होंने खुद की रहमत को समझा और मेहनत से अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक लेके गए। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तान में थे और माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडियन में थी। उनके बड़े भाई भी थे, लेकिन वह अल्लाह को प्यारे हो गए। कादर के जन्म के बाद उनकी माता बहुत घबराई हुई रहती थी। वह सोचती थी कि कहीं तीनों संतान के बाद कहीं मेरा बेटा कादर खान भी मुझे अलविदा ना कह दे। इसी वजह से उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान छोड़ भारत आ गया और मुंबई की बस्तियों में बस गए। अम्मी अब्बू के आए दिन झगड़े को देखकर कादर खान बड़े हो रहे थे कि अचानक दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद वह अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले गए और कुछ समय बाद ननिहाल वालों ने उनकी माँ की जबरदस्ती शादी करा दी। दरअसल उस वक्त में अकेले बच्चे को पाल पाना और औरत का अकेला रहना समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। कादर खान को घर की गरीबी बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। छोटी उम्र में कादर खान ने झुग्गी झोपड़ी में अन्य बच्चों की तरह स्कूल छोड़ना और स्थानीय मिल में काम करना जैसा फैसला लिया, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि जब उनकी माँ ने उसे शिक्षा के लिए एक मद्रास में भेजा तो वह मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में छिप जाते थे और दो कब्र के बीच बैठ खुद से बात किया करते थे और फिल्मों के डायलॉग बोला करते थे। दरअसल कादर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ ने उनसे क्या कहा था। उनकी माँ ने उन्हें काम करने की बजाय पढ़ाई के लिए मजबूर किया था। उन्हें वो दिन भी याद है जब उनकी माँ कहा करती थी कि यदि आज दैनिक मजदूर बन जाते हो तो 3 रुपए ही एक दिन में कमाओगे, लेकिन ये बात जहन में रखना कि अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना हो तो पहले तुम्हें खुद को शिक्षित करना होगा। अपनी माँ की सलाह के बाद उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया और बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित इस्माइल यूसुफ कॉलेज से स्नातक किया। यहाँ तक कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। कब्रिस्तान में उन्हें एक फरिश्ता मिला था। आइए जानते हैं वह फरिश्ता कौन है। बचपन से ही कादर खान को नकल करने की बहुत आदत थी। जब वह कब्रिस्तान में जाकर दो कब्रों के बीच बैठ जाते थे तो वह फिल्म डायलॉग भी बोला करते थे। तभी एक शख्स उन्हें दीवार के पीछे से खड़ा होकर देखता था। वह शख्स कोई और नहीं, अशरफ खान थे। जी हाँ, अशरफ खान उस समय एक स्टेज ड्रामा किया करते थे। वह उस समय स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के बच्चे की तलाश में थे। उन्होंने कादर खान को देखा और उन्हें अपने नाटक में काम दे दिया। यहीं से कादर खान की किस्मत बिल्कुल बदल गई। पढ़ाई के साथ कादर खान थिएटर में भी काम करने लगे। उस समय कॉलेज के दिनों में नका एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत फेमस हुआ था।
दरअसल उसमें कादर खान ने ही काम किया था। दूर दूर से लोग उनके इस ड्रामा को देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान एक दिन कादर खान कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार का फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ और मैं भी आपके ड्रामा ताश के पत्ते को देखना चाहता हूँ। दिलीप कुमार का नाम सुनते ही कादर खान बिल्कुल सन्न में रह गए। कुछ समय बाद कादर खान ने दिलीप कुमार साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप बेशक आ सकते हैं मेरा ड्रामा देखने, पर इसके लिए एक शर्त होगी। उन्होंने कहा, आपको ठीक समय पे ड्रामा देखने आना होगा, क्योंकि गेट बंद हो जाता है और दोबारा नहीं खुलता, और दूसरा शर्त ये होगा कि आपको ड्रामा पूरा देखना होगा। दिलीप कुमार ने उनकी दोनों शर्तों को मान ली और ड्रामा पूरा देखा। कादर खान के काम से दिलीप साहब बहुत ही प्रभावित हुए। शो खत्म होते ही उन्होंने शो पे अनाउंसमेंट करा दिया कि फिल्म में कादर खान को काम देंगे। इसके बाद दिलीप ने कादर खान को दो फिल्मों में साइन कर लिया। यहीं से ही कादर खान का जर्नी स्टार्ट हो गया। उन्होंने काफी अच्छा अच्छा अभिनय किया, चाहे वो विलन का हो या फिर कॉमेडियन का हो या फिर किसी अच्छे किरदार का हो, उन्होंने इन सभी किरदारों को काफी ही अच्छे से निभाया। लोग भी इन्हें काफी पसंद करते और बहुत ही इन्हें प्यार देते। उन्होंने गरीबी से लेके कब्रिस्तान से लेके हर एक जर्नी को पार किया और बॉलीवुड में एंट्री की। ऐसे रहा कादर खान की जर्नी। और यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।